एक मां को बुलावो ऊपर ते आवे तो भगवान वाला यम का दूत ने कहे कि हे यम का दूत, उस मां को मैं स्वयं लेने के लिए जाऊंगा। और मासा ना इन कहे के आपका आपने जितना बरस दीदा वतरा बराबर भी गया, आपने वैकुंठ पधारना पड़ेगा। तो मां भगवान को बड़ो ही निवेदन करेगी, भगवान सिर्फ 5 मिनट आपने मने पाछा देना पड़ेगा। तो भगवान क्यों 75 साल की उम्र दी थी, यानी 5 मिनट ने था कई करोगा। तो मां भगवान को बड़ो ही निवेदन करेगी, भगवान जो मु 5 मिनट आपको मांगी रू नहीं, जो मारा परिवार ने जो बात कहनी वहां मैं आज दिन तक नहीं क्यों। तो 5 मिनट में भगवान मां का ही निवेदन करे, और सबों भी मुंह निवेदन करूं साहब बड़ा बड़ा कलाकार है, तो मरम की गलती है तो माफ कर दियो साहब। उस संतेश बुलावो निवेदन करे। एक मिनट प्रभु माने तो करा बेटा सुबा, एक मिनट प्रभु माने तो करा बेटा सुबा, मैं करा मर बेटा सुबा। और बेटा ने वो कहे अलमारी में रख मारा के, अलमारी में पैसा रखा, आपस में लीजो बेटा बात बोला वो बेटा ने तो वो बेटो बड़ो जोरदार रोवे, और रोता रोता में वो बेटो वणी मां ने कहे रोटी वण के बेटा थारे, रोटी बन के बेटा खाने कौन कहेगा मारी माए बुलावा को
ससुर में नट प्रभु माने दो तो करा बिड़ी सोबा। बहु है लाडी अत्रह साल तक गरने में बांध न रखे। बांधन को मतलब सभी परिवार एक ही चूल्हा पे रोटियां खाती। अब यह जवाबदारी तने दीन दे रही हूं, कहा मुंह तो स्वर्ग सिधा रही हूं। तो बिंदनी ने वहा सासू जी कही कहे मैं तो करने बांध न रखो, तीसरो मिनट प्रभु माने दो तो करा पोता सुबा। तीसरो मिनट प्रभु माने दो तो करा पोता सुबा, मैं करा मर पोता सुबा। पोता ने पास में बैठे ने वहां दादी मां बड़ी जोरदार रोवे और रोता रोता में वह दादी मां मणि पोता ने कहे दादी मां तो सुरगा चले, दादी मां तो सुरगा चले, कौन करेगा तारा लाडी बुलावो। Oh,
दो मिनट प्रभु माने दो तो करा बेटी शोभा। जो दो मिनट प्रभु माने दो तो करा बेटी शोभा, मैं करा मर बेटी शोभा। बड़ी बेटी ने वह मां के वे के बेटी अगर दो महीना चार महीना छह महीना एक साल मगर और जीवती अन्यो अगर यो मायरो अगर मारा हमें भर देता नहीं तो ये मन में लेन ऊपर नहीं जाती, तो वह माँ भी बड़ी जोरदार रोवे और वह बेटी भी बड़ी जोरदार रोवे। और रोता रोता में वह माँ बड़ी बेटी ने कहवे, मायरा रे मन मेरे गे ओ, 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 बेटी मायरा रे मन मेरे गे अब कौन भरेगा तारा बात बुलावा का। बेटी कही कहवे, आख्या टप टप या सो टप के बिना मिलवाने यो तरी से क्यों निरायो रे क्यों निरायो रे। होती जो चार मिनट कम भी सुना हो तो कोई बात नहीं, पांचवा मिनट आपको जरूर सुनना है क्योंकि बड़े बड़े भजन सम्राट बैठे हो, मैं ज्यादा मेरे बोलने की औकात नहीं है। बाकी जो भी अपने माता पिता गुरुदेव को मानता है एक बार प्रेम से हाथ खड़े करें कि मैं अपने माता पिता को मानता हूं, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है एक बार हाथ खड़े करें। मानना भी चाहिए माता पिता को। और पांचवा मिनट अगर आपको अच्छा लगे तो इस गाने वाले के लिए भी ताली मत बजाना, उस लिखने वाले के लिए भी ताली मत बजाना जिस मां ने आपको 9 महीने पेट में रखा। अगर अच्छा लगे तो उसके लिए मां के लिए जरूर ताली लगाना। तो मां पांचवा मिनट में भगवान को बड़ो ही निवेदन करे कि भगवान 5 मिनट आपको मांगिया 4 मिनट खत्म गया, 5 मिनट और मने देव। तो 5 मिनट में मां कई निवेदन करे, ए पांचवो मिनट प्रभु माने दो तो करा पति सुबा। लास्ट मिनट प्रभु और देवो तो करा पति सुबा, मैं करा मर बिंद राजा सुबा, मैं करा मर दिल के राजा सुबा। भगवान अगर ये 5 मिनट अगर और देवनी
तो मारे पति मारे वाणी बींद रह जाओ मारे बात करनी है। और वह पत्नी वाणी पति ने कहे के हे पति देव जाता जाता आपने मारी एक इच्छा पूरी करनी है। तो जो ही पति ने मालूम पड़े कि अभी हमारी पत्नी नहीं रहेगा तो वो पति और पत्नी बड़ा जोरदार रोवे और रोता रोता में वह पत्नी वाणी पति देव ने कहे के हे पति देव जाता जाता आपने हमारी एक इच्छा पूरी करनी है। तो वह कही कहे वह पत्नी कुमकुम में दी चावल ले लो पति देव थोड़ा सा कुमकुम थोड़ी सी मेहंदी थोड़ा सा चावल ले लो। कुमकुम मेहंदी चावल ले ले और मोतिया सुन या भर दे मारी मांग बुलावो भर दो मारी मांग बुलावो आगो राम को बुलावो आगो भगवान को कुमकुम में दी चावल ले लो मोटा सो भर दो मारी मांग बुलावो आगो राम को बुलावो पति उस पत्नी को क्या कहता है नफरत की दुनिया को छोड़ के राम की दुनिया में खुश रहना पत्नी क्या कहता है बस आखिरी सुन ले और हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं आधा मिनट के लिए हर बात को तुम बोलो भले माँ बाप को मत बोलना हर बात को तुम अपने ही सहारे रहते हैं